वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू टू टॉक ऑन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन। एंड एक्चुअली इट इज़ अ माइक्रो इकोनॉमिक का ये जो टॉपिक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और चेंज जो मार्किंग स्कीम है उसके अनुसार सबसे ज़्यादा मार्क्स माइक्रो इकोनॉमिक्स से इसी लेसन से आता है। इसको थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है और इसलिए आज हमने जो टॉपिक लिया है एग्रीगेट डिमांड लिया है। लेकिन एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात करने से पहले पहले हमको ये जानना होगा कि आखिर इस जो ये जो ब्रांच है इकोनॉमिक्स का, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो ओरिजिन है उसके ऊपर थोड़ा सा हम प्रकाश डालना चाहेंगे। देखो 1929 में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आता है और उस डिप्रेशन में जो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल था वो काफ़ी नीचे आ गया था, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही थी। और ये केवल इट वाज नॉट ओनली कन्फाइंड टू अमेरिका बट इट वाज स्प्रेड टू द अदर कंट्रीज आल्सो। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देर वाज अ अनसोल्ड स्टॉक, द प्रोड्यूस्ड गुड्स वर नॉट सोल्ड इन द मार्केट एंड एवरीवेयर देयर इज अ नेगेटिविटी। सो 1929 में जब भी अमेरिका में जो डिप्रेशन हुआ, इसको हम इकोनॉमिक डिप्रेशन के नाम से जानते हैं, रिसेशन के नाम से जानते हैं, तो 1929 और 1933 तक ये चला। तो इस समय जो स्थिति है, इस स्थिति से निकलने के लिए, बचने के लिए एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जे एम किन्स, और किन्स ने एक बहुत ही शानदार बुक लिखी और उस बुक का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में लिखी गई थी। आप इसको कह सकते हैं कि दिस वॉज जस्ट लाइक भगवद गीता फॉर हिंदूज एंड कुरान फॉर मुस्लिम। सिमिलरली इकोनॉमिस्ट के लिए उस समय ये जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी का वही महत्व था। और इसमें किन्स ने सबसे पहले, जैसे आप ये समझो कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बहुत सारे क्वेश्चन करता है और आप सिम्टम को देखता है कि व्यक्ति में किस तरह का सिम्टम है, किस तरह के रोग के लक्षण हैं। तो सबसे पहले उन्होंने इस जो अमेरिका में जो रिसेशन था उसको समझने का प्रयास किया कि आखिर इस जो रिसेशन की वजह क्या है। तो उस वजह को जानने के लिए उन्होंने समझा और उसको एक बुक के फॉर्म में उसकी रिमेडी और उसको उसका जो उनका अनुभव था उसको लिखने का प्रयास किया। और ये बहुत ही पाथ ब्रेकिंग बुक हुई, ये बहुत ही बेस्ट सेलिंग बुक में इसका नाम आया। और उसी यहीं से एक नए ब्रांच का उद्भव होता है, एक नया ब्रांच निकलता है इकोनॉमिक्स में, दैट वाज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। और आपने पढ़ा है, पहले ही पढ़ चुके हैं माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करता है, मैक्रो होल इकोनॉमी की स्टडी करता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो नए ब्रांच का उदय होता है, तो उस मैक्रो इकोनॉमिक्स में किन्स ने बताया कि जो रियल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, जिसे पहले अलग अलग स्कूल्स होते थे, तो पहले जो प्रिवेलिंग स्कूल्स था दैट वाज नोन एज क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मानते थे कि इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम में होती है, देयर इज ऑलवेज इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, हमेशा इकोनॉमी संतुलन में होती है। और उस संतुलन के पीछे जो कारण है, उन्होंने बताया कि तीन तरह के मार्केट होते हैं, लेबर मार्केट होता है, मनी मार्केट होता है और कमोडिटी मार्केट होता है, वस्तु बाजार, श्रम बाजार और मुद्रा बाजार। अगर इन तीनों मार्केट में इक्विलिब्रियम की स्थिति है तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी। और उन्होंने एक प्रोडक्ट मार्केट के इक्विलिब्रियम के लिए उन्होंने मान लिया कि एक से नाम के इकोनॉमिस्ट थे जे बी से, उन्होंने कहा कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि इसी तरह प्रोडक्ट और मनी मार्केट के भी इक्विलिब्रियम के लिए उन्होंने, हमको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है फिलहाल, हम इतना जान लें कि क्लासिकल बिलीफ था कि हमेशा इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम रहेगा। लेकिन इक्विलिब्रियम 1929 में ये देखा गया कि इक्विलिब्रियम ब्रेक हो चुका था, और हमेशा जो इक्विलिब्रियम की बात होती थी, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे, दैट वॉज नॉट प्रिवेलिंग इन द मार्केट। तो इस वजह को उन्होंने समझा और उन्होंने कहा कि नहीं, एग्रीगेट जो डिमांड है वो मेन ऑब्जेक्ट है और डिमांड की कमी है और इस डिमांड को बढ़ाने की जरूरत है। तब उन्होंने बहुत सारी बातें की जिसको हम आगे आने वाले एपिसोड्स में, आगे आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे। यहाँ पर हम बस आज हम जो बातें चर्चा करने जा रहे हैं वो केवल हम ये बात करना चाह रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड है क्या और उसके कंपोनेंट क्या हैं, बस इतना ही पढ़ेंगे। और इसका डिटेल्स हम अगले हमने वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड, हम आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड और डोमेस्टिक फाइनल डिमांड DFD इज अ टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स
एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी एट ए गिवन टाइम, मतलब टोटल डिमांड है गुड्स और सर्विसेज की इकोनॉमी में एक एक समय पर, जितनी भी जितना भी गुड्स और सर्विसेज का डिमांड इकोनॉमी पूरी इकोनॉमी में, उसको हमने एग्रीगेट डिमांड का नाम दिया, और इट इज़ ऑफन कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड। अब इफेक्टिव डिमांड के बारे में डिटेल्स हम आगे बात करेंगे, लेकिन इसको अब इतना यहाँ आप समझ लें कि इसको हमने कहा कि इसको प्रायः इफेक्टिव डिमांड के नाम से जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है वो उसकी हम चर्चा बात करेंगे। सो दिस इज़ द डिमांड फॉर द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आप पढ़ चुके हैं। सो दिस इज डिमांड फॉर द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। सो इट स्पेसिफाइज द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट विल बी परचेज एट ऑल पॉसिबल प्राइस लेवल। ये क्या बताता है कि जो प्राइस लेवल है, अलग अलग प्राइस लेवल है, उस पर जो गुड्स एंड सर्विसेज जो टोटल परचेज की जाएंगी उसका हिसाब किताब एग्रीगेट डिमांड बताता है। अब हम आते हैं अगले स्लाइड की तरफ। तो एग्रीगेट डिमांड हमने अभी देखा, अब हम आते हैं एग्रीगेट डिमांड को देख लीजिए। एक डायग्राम के द्वारा हमने दिखाने का प्रयास किया है, इसमें हालांकि एग्रीगेट सप्लाई भी दिखाया है मैंने बाई इज टू सी प्लस एस, और एग्रीगेट डिमांड ए डी इज टू सी प्लस आई। हमारे पास टू सेक्टर मॉडल है हमारे पास, तो हम केवल ए डी सी प्लस आई की ही बात करते हैं। फिलहाल आप इस यहाँ पर इस स्लाइड में केवल इस बात को देखिए कि ए डी का कर्व जो है उसका नेचर क्या है, वो कैसे राइज होता है और कहाँ से स्टार्ट होता है। वो ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर स्टार्ट होता है, ये क्यों स्टार्ट होता है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे अलग स्लाइड्स में, जब ए डी को हम जब जोड़ कर बताएंगे सी प्लस आई के साथ, जब जोड़ कर बताएंगे तब हम बताएंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। फिलहाल आप इतना यही जान लीजिए कि एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है, ये एग्रीगेट डिमांड का हमारा जो कर्व है, ये देखिए ये जो जा रहा है ये कर्व, ये तो ये राइजिंग कर्व है, और अलग ये हमने एक्स एक्सिस पर इनकम लिया है और वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड लिया है। तो ये जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ता जाता है। यहाँ पर केवल इतना ही ध्यान रखने की ज़रूरत है, बाकी सारी चीज़ों को आप भूल जाएं, कुछ और भी लिखा हुआ है इस डायग्राम में, कुछ और भी मेंशन, सबको भूल जाएं, केवल एक ही कर्व याद रखें कि एडी क्या है और एडी कैसे बढ़ता है, राइजिंग कैसे होता है, बस दैट्स ऑल। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? तो देयर आर फोर कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड कितने कंपोनेंट होते हैं? चार होते हैं। ये कौन कौन से हैं? फोर कंपोनेंट्स, सी आई जी और एक्स माइनस एम। कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, और नेट एक्सपोर्ट्स एक्सटर्नल सेक्टर होता है। चार सेक्टर, फोर सेक्टर मॉडल में हम चारों की बात करते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल टू सेक्टर मॉडल है, यानी सी और आई है, मतलब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। वैसे हमारे लिए जानना जरूरी है कि चार सेक्टर कौन है। नेक्स्ट, एग्रीगेट डिमांड शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द रियल जीएनपी एंड प्राइस लेवल। अब रियल जीएनपी एग्रीगेट डिमांड क्या रिलेशनशिप शो करता है कि रियल, एक मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कि रियल जीएनपी एंड प्राइस लेवल के बीच के संबंध को ये दर्शाता है। तो ये देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं एग्रीगेट डिमांड का भी, आपने देखा पिछले स्लाइड में एग्रीगेट डिमांड का कंजम्पशन एक फंक्शन है, कंजम्पशन एक कंपोनेंट है। तो अब इसी कंजम्पशन के बारे में देखिएगा, सी हमने यहाँ लिखा है, सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, मतलब सी फंक्शन किस पर करता है? वाई पर, मतलब सी की फंक्शनिंग कब होगी? जब वाई में कुछ चेंज आएगा, मतलब सी डिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई में परिवर्तन जब होगा तो सी में भी परिवर्तन होगा, ये इस बात को दिखाता है। तो देखिए हम सी क्या है, द कंजम्पशन फंक्शन स्टेट्स दैट एग्रीगेट रियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट रियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वास्तव में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसकी बात करता है, ऑफ एन इकोनॉमी इज अ फंक्शन ऑफ रियल नेशनल इनकम। ये रियल नेशनल इनकम का एक फंक्शन है, मतलब रियल नेशनल इनकम में जो परिवर्तन होगा तो उसका किस हिसाब से उसके खर्चे में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में परिवर्तन होगा उसको दिखाता है। द कंजम्पशन फंक्शन स्टेट दैट एग्रीगेट रियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ एन इकोनॉमी इज अ फंक्शन ऑफ रियल नेशनल इनकम, दिस इज कॉल्ड द कीन्सियन कंजम्पशन फंक्शन। यहाँ पर अब कीन्सियन कंजम्पशन फंक्शन है, और किन्स ने कंजम्पशन फंक्शन को ये अपने जो अनुभव से पाया कि जो कंजम्पशन होता है वो इनकम पर आधारित होता है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम में बदलाव होता है वैसे वैसे कंजम्पशन में भी वृद्धि होती है। और इसके बारे में उन्होंने और बताया कि ऑटोनोमस कंजम्पशन की भी बात की उन्होंने, कि एक जीरो लेवल पर मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है। चलिए हम उसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट है, द एग्रीगेट कंजम्पशन इन द इकोनॉमी कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स परचेजिंग कमोडिटीज। तो हम एग्रीगेट कंजम्पशन कैसे पता करेंगे? जो भी हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा अलग अलग इंडिविजुअल्स का, सबको जोड़कर हम इसको पता कर सकते हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं अगले स्लाइड में इन्वेस्टमेंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट को देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है, क्योंकि किन्स ने
आई को बहुत ज्यादा महत्व दिया। अब वो कौन सा आई है, किस तरह का आई है, उसकी हम चर्चा करेंगे। इन्वेस्टमेंट इज द चेंज इन कैपिटल स्टॉक। इन्वेस्टमेंट क्या है, चेंज इन कैपिटल स्टॉक, उसको ब्रैकेट में लिख दिया, चेंज इन स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल एंड चेंज इन इन्वेंट्रीज ड्यूरिंग अ पीरियड। तो एक निश्चित समय अंतराल में जो स्टॉक में जो चेंज होता है, कैपिटल स्टॉक, चेंज इन स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल एंड चेंज इन इन्वेंट्री, दोनों को मिलाकर हम चेंज इन स्टॉक कैपिटल स्टॉक कह रहे हैं। तो कंसिक्वेंटली अनलाइक कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इज अ फ्लो टर्म एंड नॉट अ स्टॉक टर्म। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है, एक फ्लो टर्म है, स्टॉक टर्म नहीं है। मतलब ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम में इन्वेस्टमेंट नहीं मेजर किया जाता, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है। दिस मीन्स दैट वाइल कैपिटल इज मेजर्ड एट अ पॉइंट इन टाइम, वाइल इन्वेस्टमेंट कैन ओनली बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू किन्स, किन्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर टेकन बाई कंपेयरिंग द मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल और द यील्ड विद द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये दो फैक्टर्स हैं, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, इसके ऊपर एक कंप्लीट मैं वीडियो बनाऊंगा, एमईसी क्या है, और रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन दो चीज़ों के ऊपर क्या डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। मतलब इन्वेस्टमेंट अगर मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा, मतलब पैसा जितना हम लगा रहे हैं उसका रिटर्न कैसा मिलता है उस पर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर लो होगा तो इन्वेस्टमेंट के लिए लोग पैसे ज़्यादा लेंगे। अब हमने इसमें दो चीज़ें बताई, इन्वेस्टमेंट मैंने बताया कि किन्स की थ्योरी में इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो इन हम किन्स ने दो तरह के इन्वेस्टमेंट की बात की, एक्चुअली दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, एक इंड्यूस्ड है, दूसरा ऑटोनोमस है। अब हमारे पास जो ये जो है ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का है, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का हमारा ये डायग्राम है। और ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट देखिए आप, ये इनकम डिपेंडेंट नहीं होता है, इसलिए ये हॉरिजेंटल है। कोई चीज़ अगर हॉरिजेंटल ड्रॉ की गई है इसका मतलब वो इनकम डिपेंडेंट नहीं है, मतलब इनकम जो भी यहाँ पर वेरिएबल होगा एक्स एक्सिस पर वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब देखिए इनकम ए है तभी इन्वेस्टमेंट फिक्स ही है, इतना ही है, फिर बी आ गया, बढ़ गया इनकम, इसके बाद भी इतना है। मतलब इसको हमने कहा कि ऑटोनोमस, ये प्रभावित नहीं हो रहा है इनकम के बढ़ने या घटने से। जबकि ये जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है वो इनकम पे प्रॉफिट होगा, तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगा तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोग करेंगे। लेकिन ये होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। जनरली जो प्राइवेट सेक्टर्स का इन्वेस्टमेंट होता है वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है, और किन्स ने अपनी थ्योरी में कहा कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि इकोनॉमी में रिसेशन का पीरियड था और कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट तब करता है जब उसको प्रॉफिट नजर आता है, तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो हो गया था और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा था, प्राइवेट सेक्टर करता नहीं, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया था कि हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा रिलाई करें अगर इकोनॉमी को रिसेशन से बचाना है। ये हम अपने यहाँ भी इस तरह की स्थिति देखते हैं, जब जिससे मान लिया COVID-19 की वजह से जो खतरे हो रहे हैं और इकोनॉमी की हालत ख़राब है, ऐसे समय गवर्नमेंट फार्मर्स को पैकेज दे रही है, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को पैकेज दे रही है, बड़े उद्योगों को पैकेज दे रही है। ये पैकेज देने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इज पंपिंग द मनी इन द इकॉनमी सो दैट दिस डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुड स्टार्ट एंड डिमांड को क्रिएट किया जा सके। जब डिमांड होगी तो प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो एक पूरी जो रिसेशन से निकलने की प्रक्रिया है, साइकिल प्रक्रिया वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इंड्यूस्ड और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का आपने महत्व अच्छे से समझ लिया होगा। हम आते हैं अदर कंपोनेंट्स क्या हैं। गवर्नमेंट अपने पहले भी देख चुका था, फिर मैंने बना दिया इसको अदर कंपोनेंट। गवर्नमेंट जी एक्सपोर्ट सेक्टर और नेट एक्सपोर्ट, इसको हमने कहा एक्स माइनस एम, ए डी का टोटल हो गया क्या, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक करें और मोटिवेट करें मुझे। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।